नहीं नहीं बहुत सुंदर, हम आ गए हैं कोई बात नहीं, नए पत्ते अभी आए ना एक दो महीने से, शारद ने पट्टे है अपने मिट्टी डाला और ये सब सारा चला है। तो पहले डायबैक से खत्म हो गए थे? डायबैक से 500 प्लांट मैंने चेंज किया गुरु जी, 500 प्लांट पे चेंज किया। ये जो नए प्लांट कौन से, ये जो लगा है वो ये है क्या? छोटे छोटे जितने हैं ना, हाँ हाँ, वो नए प्लांट है, बड़े हो गए वो पुराने हैं। अच्छा, 500 प्लांट चेंज कर दिए वो डायबैक से। अच्छा, मतलब ये जो बड़ा प्लांट है ये पुराना है, पुराना। और ये पीछे जो लगा ये नया है, छोटा है ना वो नया है। इसको कब लगाए हो? लगभग गुरु जी 8-9 महीने हो गया होगा। अच्छा, और ये लगा हुआ पुराना है, तो पुराना भी देखो बिल्कुल सही हो गया। सही हो गया गुरु जी। हैं? ये देखो ये पुराने तो सही हो गए पूरे। पहले गुरु जी ऊर्जा जल 3000 लीटर चला रहा था। 3000 लीटर ऊर्जा जल? हाँ, बाद में एजी प्लस भी 2 लीटर मैंने पानी में डाल के चलाया था, ड्रिप में। अच्छा, ड्रिप थी ना तब। अभी राकेश जी ने ऐसा बोला है सारा एजी प्लस से करो, तो मैंने 6 लीटर एजी प्लस से वो सारा खेत मिट्टी को किया है, नहला दिया सारा, छूटा पानी छोड़ दिया था। अच्छा, अभी ऊर्जा जल चल रहा है। तो फंगस मैं अभी सब चेक कर लेता हूँ, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स भी एक बार मैंने स्प्रे कर दिया, एक महीने में 3-3 दिन में सारा नैनो पार्टिकल अपने यूज कर दिया। नहीं नहीं, आपका खेत तो डायबैक के बाद इतना अच्छा आ गया, अभी कौन देखेगा तो कौन कहेगा इसमें डायबैक आया था, एक भी नहीं दिख रहा है। ये जो पुरानी पत्ती दिख रही है इसमें थोड़ा सा, थोड़े से यहाँ है थोड़ा प्लांट है। हाँ, जो पुराना दिख रहा है ये, ये देखो जला हुआ पत्ती पूरा। अच्छा, बाकी तो सब एकदम बिल्कुल न्यू हो गए। उधर जो 3 पेड़ लगे वो कब के हैं? ये पुराने हैं गुरु जी, ये लाइन में गुरु जी सारे पुराने, जो छोटे छोटे हैं ना, हाँ हाँ, वो भी यदि 8-10 महीने पेड़ डाले होंगे, बाकी जितने बड़े हो गए वो पुराने। अच्छा, उधर फंगस नहीं लगा? 2.5 साल हो गए। तो वो देखो कितने बड़े हो गए, 2.5 साल हो गए गुरु जी। वो एक लास्ट में पौधा बचा है, कितना बड़ा हो गया वो, ये फंगस से बच गया तो वो पौधा आ गया। चलो, अब तो खैर कुछ रहेगा नहीं, मैं बाकी चेक कर लेता हूँ। अभी हम हैं गुजरात राज्य के भरूच जिले में नवनीत ठाकुर जी के खेत में, और हम उस खेत में चल रहे हैं जहाँ डायबैक के कारण पेड़ सूख गए थे और इन्हें 500 पेड़ बदल दिया। जैसी TCBT अपनाया, और TCBT में सबसे पहले आपने क्या किया? पहले ऊर्जा जल चलाया। कितना लीटर? 4000 लीटर। अच्छा, 3000 से 4000 लीटर ऊर्जा जल चला दिए। हाँ। फिर बाद में 4000 लीटर वो जीवाणु जल चलाया, जीवाणु जल 2000 लीटर जैरो सेंट चलाया। अच्छा, फिर अच्छा, फिर मैं वापस मैंने एजी प्लस 2000 नैनो सिल्वर एजी प्लस जमीन पे डाले। अच्छा, जमीन पे डाले वो स्प्रे भी किया, स्प्रे भी किया। ये पुराना पौधा है, ये जो है ये पौधा लौट गया कि डायबैक के कारण जो पौधे मर रहे थे वो वापस आए, रिटर्न आए, उनके पत्ते ठीक हो रहे हैं, ये देखिए। और आज जो है 9 मई की गर्मी में भी ये जो है पेड़ इतना बढ़िया है, कहीं पानी की कमी नहीं है, और अब कोई फंगस की समस्या नहीं आएगी। पंचमहाभूत आपके पूर्ण हो गए, बहुत बढ़िया, बधाई हो। कितना बढ़िया चल पड़ा है, देखो कितना स्वस्थ प्लान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये देखिए कितना बड़ी, ऐसे ही बनना चाहिए। देखो ये प्लांट का अलग है, इसमें अपने आप भार नहीं, ये डाली भार है तो इसको कट कर देना। हाँ, वो कटिंग कर देना, ठीक है। नीचे झुकने वाली सारी डाली कट कर देना, प्लांट खुद ही कहता है कौन सा एक्स्ट्रा है, कौन सा कट करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखिए साइज क्या बढ़िया आ रहा है इसमें गुरु जी। डाई बैक बहुत लग गया, थोड़ा कटिंग किया था। हाँ, दिख रहा है। तो ये नैनो सिल्वर एजी प्लस से धीरे धीरे चला जाएगा, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार चल पड़ा है। ये क्या है, खुराक तो इसके अंदर भी डाले होंगे? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, सारी डाला है ना, सारी डाला। कितना बढ़िया चल पड़ा है, देखो कितना स्वस्थ प्लांट। तो आपको इसमें 2 बार तिल करना है। ओके, अभी इसको बराबर करो, यहाँ भी जोताई करो और पूरा तिल कर दो, और तिल को जो है गड़ाना, निकाल दो बाद में तिल, ये भी निकाल दो, सब जोताई करके निकाल दो, तिल बो दो, किनारे किनारे भी सब निकाल देना, तिल बो दो फिर तिल गड़ा दो। और यहाँ पर क्या करना, यहाँ सन बोना, सन, हाँ, यहाँ बोना तिल जो गड़ाना, और सन को काट के बिछा देना, यहाँ जोताई नहीं करना इसमें, ठीक है। हाँ, और सन को इस यहाँ सन को मतलब काट के सुला देना, यहाँ तिल को गड़ा देना, फिर तिल बोना, फिर तिल गड़ाना, ठीक है। तो कार्बन भी बढ़ जाएगा, उसके बाद आपके पेड़ ये सब चल पड़ेंगे, ये सारे पेड़ जो है आपके ये चल पड़ेंगे, ये कोई दिक्कत ऐसी रहेगी नहीं, कोई पेड़ नहीं। हाँ, ये देखिए सारा डायबैक के कारण मरा हुआ ये सब चल पड़ा है,
अब धीरे धीरे इनकी पत्तियां भी देखो, ये पत्तियां खुलने लगी हैं। ये देख पास से दिखाओ, ये सारी पत्तियां देखो खुलने लगी हैं, है ना, ये खुलने लगी हैं, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा चलिए, तो ये आपने जो है अच्छा किया, फंगस पूरा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या है कि बहुत बढ़िया, अभी एक और काम करना, जुलाई में ही अमावस्या के आसपास जो जो नीचे जा रहे हैं टहनी, जैसे ये नीचे जा रहा है, इसको कट कर देना यहाँ से। ओके, ये देखो कहाँ से, यहाँ से। ओके, यहाँ से, तो यहाँ से ब्रांचेस आएंगे, ऊपर वाले ब्रांचेस को रखना, नीचे वाले कट कर देना, ठीक है। ये पौधे को जरा हल्का करो इसको, अभी देखो ये अपने ही वजन से ये पौधा झुक रहा है, इसको हल्का करो, ठीक है। हाँ, ये ऐसा करिए, तो हाई डेंसिटी में लेना है आपको, नेक्स्ट ईयर तो फल आ जाएंगे। अब मैं एक आम की खेत देके आ रहा हूँ, 22 महीने में 22 किलो आम फला है, 22 महीने में, और वहाँ भी आम के पेड़ उग नहीं रहे थे, बहुत उर्मुरम मिट्टी है, और ज़बरदस्त फला है, मतलब 60-70 तक फल है, मात्र 22 महीना, दो साल का भी नहीं हुआ है। तो क्या है कि वहाँ शुरू से ही जो है TCBT गड्ढा से ही करने से TCBT हुआ है, ठीक है। जैसे देखो इसकी कटिंग ख़राब हुई, इधर आओ, ये जो है यहाँ से तो कटिंग हो गई, अब इसको हमको जो है हाई डेंसिटी में है तो ये अंदर जाने वाले सब कट करना है। वो डाइबैक लगा था उसमें। अच्छा, ये डाइबैक लगा था, इसलिए वो कट कर दिया, ठीक है। तो इसको जो है फिर से चलाना। हाँ, ये देखिए ये कितना बढ़िया जो है, ये नया पत्ते, कितने सुंदर पत्ते आ रहे हैं, ये तुम्हारे डाइबैक के पहले पुराने पत्ते, और ये नए पत्ते, ये देखिए ये नए पत्ते देखिए कितने सुंदर हैं, है ना, और ये पुराने पत्ते हैं डायबिक के समय के, अलग ही दिख रहा है ये जो है इसमें पौधे में अलग ही, ये फंगस भी समझ में आ रहा है कि फंगस ग्रो था, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये है डायबिक से लगा हुआ खेत, जो डायबिक के कारण पौधे सूख गए थे, और अब उन सब में जैसे ही इन्होंने नैनो सिल्वर AG+ किया, ऊर्जा जल और जीवाणु जल डाला, लाल पीली सफ़ेद मिट्टी भी आपने डाला है, और ये पौधे सब ये चल पड़े हैं, ठीक है। केवल अब यहाँ कार्बन बढ़ाना है और आपको फसल बहुत अच्छा लेना है। दशक प्लांट में गुरु जी ऐसे फेंगो लगा है, क्या बात है, दशक प्लांट है। अंदर भी है थोड़ा, ये देखिए अंदर भी है, क्या बात है, बहुत तोतापुरी है, तोतापुरी है। ये देखिए लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, ये सब इन्होंने बुलाया है, डाला है, बहुत शानदार ये मिट्टी होती है, ये तो रॉक सॉइल है। हाँ हाँ हाँ, और लाल मिट्टी कहाँ है, वो अंदर मिक्स कर दिए, मिक्स कर दिए, बहुत बढ़िया, सारी मिट्टी अंदर मिक्स है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अंदर गोबर है। हाँ, इनमें क्या क्या बनाए हो, इसमें जो जल रसायन है, अच्छा जल रसायन, उसमें जीवाणु जल है, उसमें जीवाणु जल है, उसमें जीवाणु जल, उसमें फफूंद है, अच्छा, वो भी ये ऊर्जा जल खत्म हो जाए बाद में चलाना है। वाह, और ये प्लांट तो देखो क्या फला था इसमें, वो क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, ऊर्जा जल बना है, ये खत्म तो है, ऊर्जा जल इसमें डाल देते हैं और फिर इससे निकाल के पानी के साथ क्या है, पानी के साथ में वो नल चालू है, नल चालू पूरे खेत में बहते रहता है। बहुत बढ़िया, आपको केवल ये बारिश में जो ट्रीटमेंट करोगे ना, हम अभी जुड़े ना सितंबर में, बारिश में ये सब ठीक हो जाएगा।